हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में। बड़ी मुश्किल से मिला है पार्क हम लोगों को। ये सामने गेट है हम लोगों के और ये क्रोकोडाइल दिख रहा है। क्रोकोडाइल है यहाँ पे, दिखाता मैं आप लोगों को पास से थोड़ा। ये रहा अपना क्रोकोडाइल, दांत बड़े बड़े हैं इसके, भयंकर बिल्कुल। रेत में बैठा हुआ ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं काकरा पार्क और ये क्रोकोडाइल नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए सामने गेट इसका, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और ये यहाँ का मेन चीज़ तो यही है यहाँ की क्रोकोडाइल वाली। और अब हम लोग अंदर जाएंगे। ये यहाँ का रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता लग रहा है मुझे तो। पैदल जा रहे हैं हम लोग और ये सारा इधर जंगली लग रहा है मुझे। गाइज आप लोग कभी गूगल का भरोसा मत करिएगा। जब भी यहाँ पे आए गूगल पे गूगल के सहारे आओगे तो वो तुम्हें गलत जगह पहुँचा देगा। और अर्पिता इसमें चढ़ रही है अब। ये देखिए आप लोग भी आइएगा, इसमें खेलिएगा खूब। इसी बात के पैसे दिए हम लोगों ने। ये काफ़ी कलरफुल है। वो साइड गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में, लेकिन यहाँ सारे जंगली जंगल दिख रहे हैं हम लोगों को। तुम कुछ कहना चाहोगी? थक गए चलते। काफी थकान सी महसूस हो गई क्योंकि हमें ये तो मिला नहीं पार्क। काफी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे, आधा घंटा हो गया था करीब ढूंढते। यहाँ पे चिड़ियों पे फोटो लगा रखा है। यहाँ पे अवेलेबल है ये सारी बर्ड्स और यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। ये सारे पोस्टर लगा रखे हैं, इनमें पूरे डिटेल में दे रखा है। ये मगरमच्छ है अपना, क्रोकोडाइल मेन पार्टी ये यहीं की है। मेरी देखिए ये प्रजातियाँ पाई जाती है यहाँ पे, ये सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। ये गाइस ये हमारा खटीमा का पहला पार्क है। ये इको पार्क है, यहाँ का पहला पार्क है इको। और ये यहाँ पे भीड़ है, बच्चे घूम रहे हैं। स्कूल वाले बच्चों को लाया गया घुमाने के लिए। ये चलो देखते हैं उस साइड चल के। हाँ और बता, यहाँ से मैं आपको अब क्रोकोडाइल दिखाने के लिए सोच रहा हूँ। थोड़ा देखता हूँ क्रोकोडाइल कहाँ है, जूम आउट करके। गाइस ये रहा हमारा क्रोकोडाइल और ये पानी खेल रहे हैं। पानी के पास में है एक क्रोकोडाइल। गाइस ये झोपड़ी जैसी दिख रही है, अब हम इस पर चढ़ के देखते हैं। मगरमच्छ काले दिख रहे हैं बिल्कुल, मोटे मोटे मगरमच्छ, काले वाले हैवी हैं ये बिल्कुल। क्रोकोडाइल वाले पार्क में तीन चार क्रोकोडाइल हम लोगों को दिख चुके हैं। ग्राउंड में झोपड़ी जैसी है तो ये आठ है यहाँ पे, और बाकी कुछ तो देखने को मिला नहीं है मुझे। और ये ऊपर चढ़ने के लिए बना रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ऊपर चढ़ के। इसमें से ड्राइंग बना रखी बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ पे मगरमच्छ ही मिलेंगे आपको देखने के लिए, और कुछ तो मिलने वाला है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो कुछ ऐसा ही है। ये सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर बना रखा जाली वाला, ताकि जानवर आए जंगल से तो इसके अंदर सेव होकर आदमी बच सके। और ये ग्राउंड है यहाँ का दोस्तों।
ये लोग आए हुए हैं, ये देखिए रील्स बना रहे हैं लोग, कैसे चल रहे हैं मोटे मोटे लोग। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं पुलिस वाले, और ये सामने हैं स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा आ रखे हैं। गाइस हम लोगों को पहुंचने में टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन यहाँ पहुंच के मज़ा नहीं आ रहा है यार बिल्कुल ही। पता नहीं क्या हो रखा है, जाली जाली लगा रखे हैं बिल्कुल ही। ये जाली है गाइस, और ये नदी है इस साइड, इसमें ही हमें मिलेंगे मगरमच्छ मोटे वाले। ये पुल है यहाँ पे, छोटा पुल है, और हम उसे पार करेंगे। खड़े हुए सिकंदर, जल्दी जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, लड़की पार होते हैं। हिल रहा है ये पुल गाइस, लकड़ी का है, और आज पार्क तो पूरा घूम के रहेंगे हम लोग, भले हमें कुछ मिले ना मिले देखने को, लेकिन आज पूरा रिव्यू करेंगे बढ़िया करके से, जैसे गूगल ने हमें सही घुमाया। गाइस आप लोग गूगल पे भरोसा करके मत आना बिल्कुल इस पार्क में। ये तारे लगा रखे हैं ताकि जंगली जानवर यहाँ पे ना आए, पर लगता तो है नहीं जंगली जानवर रुकेंगे इन तारों से। गाइस मुझे तो और कुछ यहाँ पे दिखा है नहीं सिवाय मगरमच्छों के, चिड़िया भी नहीं दिखी हैं ना कोई बर्ड्स दिखे हैं, लेकिन हाँ ऐसे वाले बर्ड्स जरूर दिख रहे हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पे नदी है ये, और ये लकड़ी का पुल है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। गाइस मुझे तो पर्सनली ये पुल ही बढ़िया लगा यहाँ पे छोटा सा। गाइस ये जो दिख रहा है हमें, अब हम इसको ऊपर चढ़ेंगे और देखते हैं कैसा लोग आता है ऊपर से। चलिए गाइस फिर ट्राई करते हैं, बुला रहे उसमें इसको जरा। सर ये इस साइड जानवर भी आते हैं क्या, जंगली जानवर? बहुत जानवर हैं तो सर ये जाली कैसे रोकेगी फिर? नहीं देखिए जानवर जो है रात को ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन अच्छा। वो उन्हें पता है कि उधर से लौट जाते हैं, कम आते हैं, इसलिए जाली वाली जो लगाया गया है। तो सर बाई चांस कभी दिन में आ गई है? नहीं नहीं तो हम लोग हैं तो यहाँ पे दिन में नहीं आएंगे। और मेन पॉइंट है जो मगरमच्छ का ही है, मेन तो मगरमच्छ का ही है, अगर इन्हें जान के साथ कभी आ गए पानी पीने के लिए। गाइस हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे चार लोग ही अलाउ हैं एक साथ। ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊँचाई है यहाँ पे, लगभग एज डिसाइड कर दी गई है 15 साल से जो ऊपर है या 15 साल का है वही ऊपर चढ़ सकता है, बाकियों के लिए अलाउ नहीं है ऊपर चढ़। गाइस आप लोग आइएगा आराम से, आइए वैसे से ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ऊँचाई है। गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये दिखाते हैं आपको ऊपर चले जा रहा है, ये देखिए गाइस यहाँ से एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे मगरमच्छ है। ये देखिए गाइस इस साइड, ये काफ़ी बढ़िया लगा हमें ऊपर चढ़ के। यही है गाइस जो भी है यहाँ पे, अब नीचे जा रहे हैं, आराम से जाइएगा आप लोग क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में है, मुझे तो डर भी लग रहा है थोड़ा, ये मैं तो बड़े धीरे धीरे जा रहा हूँ। आओ अर्पिता कैसे हिलता भी है जब आप लोग चलोगे इस पर, क्योंकि ये लोहे का है इतना मजबूत है नहीं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं हिलते हिलते। गाइस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जो कुछ था और आप लोगों को भी दिखाया है काफ़ी कुछ। ये रास्ता करीब 500 मीटर से ज़्यादा ही होगा, काफ़ी लंबा है, पैदल करके आना पड़ेगा आपको, बाइक अंदर नहीं आ सकती है, पार्किंग बाहर बना रखी है, और आपसे पैसे ले लेंगे या लोग एंट्री लेने के और बाइक खड़ा करने के या कार खड़ी करने के लिए। गाइस ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी है, ये खटीमा क्षेत्र से हैं, और इन्होंने यहाँ का उद्घाटन किया था, इनकी वजह से यहाँ पे ये पार्क संपन्न हो पाया है।
गाइस हम लोग पहुंचने वाले गेट पे, और एक गेट दिख रहा है हम लोगों को सामने, और सामने कुछ स्टॉल्स भी लगा रखी है खाने पीने के लिए, अगर जो खा पी के नहीं आए घर से उनके लिए हैं ये सारी सुविधाएं उपलब्ध। सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया गया है, पुलिस वाले भी आपको मिलेंगे। ये फॉरेस्ट वाले हैं और ये सामने से इसका आउटलुक है, और ये हमारा रहा मगरमच्छ, और ये सामने स्टॉल है, टेडी बियर है लोगों के लिए। अच्छा खाने पीने के लिए है सामान, ये रहे हमारे टेडी बियर्स, और ये छोटे छोटे डॉग्स हैं। गाइस ये हमारी पार्किंग है, गाड़ी हम लोगों ने अंदर ही डाल रखी है अपनी।